नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। भारत में म्यांमार से आए रोहिंग्या घुसपैठिए कितने खतरनाक हैं, इसके सबूत आए दिन सामने आते रहते हैं, क्योंकि कभी ये आतंकवादी गतिविधियों में पाए जाते हैं तो कभी महिला तस्करी की घटनाओं को अंजाम देते हुए पकड़े जाते हैं। ये देश की सुरक्षा के हिसाब से चिंताजनक बनते जा रहे हैं। यह हैरान करने वाली बात तो यह है कि बंगाल जैसे राज्यों में मुस्लिम तुष्टिकरण की आड़ में वोटों की फसल उगाने के चक्कर में इन्हें संरक्षण देते हुए हर सुविधाएं दी जाती हैं, तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इन पर कानून डंडा चलाते हुए सजा दिलाई जाती है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले ही योगी सरकार ने रोहिंग्याओं की खोज शुरू कर दी है। उन्हें अलग अलग जगहों से पकड़ा जा रहा है। रोहिंग्याओं ने मेरठ समेत वेस्ट यूपी में बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया है। 100 से ज्यादा रोहिंग्या अब भी मेरठ में छिपे हुए हैं। उन्होंने वोटर आईडी से लेकर आधार कार्ड तक तैयार किया हुआ है। ये मताधिकार का भी प्रयोग कर रहे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश एटीएस ने अवैध रूप से भारत में बांग्लादेशियों की घुसपैठ कराने के मामले में 4 रोहिंग्या घुसपैठियों को हिरासत में लिया था। इनमें हाफिज शफीक मूल रूप से मुशीदम म्यांमार और इस्माइल टमरू म्यांमार का रहने वाला है। ये मेरठ के खरौदा के अलीमपुर में रह रहे थे। अब इसी अलीमपुर गांव से रोहिंग्याओं को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, गिरफ्तार किए गए हाफिज शफीक ने पूछताछ में बताया कि वो रोहिंग्याओं को म्यांमार के रास्ते भारत में दाखिल करवाता है और फिर उन्हें उत्तर प्रदेश लाकर उनके फर्जी पहचान पत्र तैयार करवाता है। अब आप समझ सकते हैं कि पहचान पत्र बनवाने के पीछे इनका क्या मकसद हो सकता है। कहीं ना कहीं इनका चुनाव के दौरान इस्तेमाल करने के लिए इन्हें यहां बसाने का काम चल रहा था, और इसका फायदा किन पार्टियों को मिलता रहा होगा वो आप अच्छे से जानते होंगे। दरअसल मेरठ का अलीमपुर गांव ये वही गांव है जहां शुरू में हिंदू मुस्लिमों की आबादी बराबर थी, लेकिन कुछ सालों में यहां रोहिंग्या मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। इसीलिए अब इस गांव पर यूपी एटीएस की नजर बनी हुई है। गांव के लोग भी मानते हैं कि यहां रोहिंग्या आकर बस गए हैं। तो भाई, हाफिज के पकड़े जाने पर इंटेलिजेंस और प्रशासन ने इस पर निगरानी कड़ी कर दी है। ये लोग क्षेत्र की मीट फैक्ट्रियों में काम करते हैं। अब जिन फर्जी दस्तावेज और भारतीय नागरिक के सहयोग से ये रोहिंग्या भारत के नागरिक बनकर प्रदेश में रह रहे हैं, उन फर्जी दस्तावेजों को बनाने वालों की भी तेजी से तलाश शुरू कर दी गई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले रोहिंग्याओं के वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है? आखिर राजनीतिक लाभ पाने के लिए देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।